बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मग़फ़िरातुहु। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 एंड वी हैव लेक्चर नंबर 3 कंज्यूमर मैथमेटिक्स। एंड टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग द गैस मीटर रीडिंग हैज बीन गिवन। Complete the gas bills with the help of the slabs given in the unit. Also include the meter rent and GST. Okay जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें आपके पास गैस मीटर जो है उनकी रीडिंग दी हुई होगी। आपने अब बिल जनरेट करना है और उस बिल में जो मीटर का रेंट है वो भी इंक्लूड होना चाहिए और जनरल सेल टैक्स GST stands for General Sale Tax, जो कि 16% होता है वो भी ऐड होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को ऐड करके आपने बिल जनरेट करना है। ओके जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1, 3.0756 HM³। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मीटर की रीडिंग है। सो मीटर रीडिंग इज 3.0756। ओके, हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 HM³ से क्या बनता है, हेक्टो क्यूबिक मीटर। HM³ स्टैंड्स फॉर हेक्टो क्यूबिक मीटर। सो 1 हेक्टो क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 3.25 MMBTU। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो मीटर रीडिंग है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3.25 से। क्यों मल्टीप्लाई करना है, आप इधर देखें 3.0756 HM³ दिया हुआ है। आपको क्या पता है कि 1 HM³ किसके इक्वल है, 3.25 के। तो अगर आपने 3.0756 निकालने हैं तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3.25 से, आपके पास आंसर आ जाएगा MMBTU में। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो। आप एक शॉप पे जाते हैं, वो आपको ये कहता है कि जो एक पेंसिल आपने ख़रीदी है या बॉल पेन आपने ख़रीदा है, ये एक बॉल पेन 5 रुपीज़ का है। ठीक है जी, एक बॉल पेन 5 रुपीज़ का है। तो बताएँ कि 3 बॉल पेंस कितने के होंगे, तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही है। यहाँ पर देखें वो क्या कहता है, 1 हेक्टोमीटर क्यूब इज 3.25, मीन्स एक बॉल पेन 3.25 रुपीज़ का है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपके पास कितने दिए हुए हैं, 3.0756, इसके अगर आप प्राइस निकालना चाहें तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.0756 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से। वही प्रोसेस है जो कि आप शॉप पे जाते हुए डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है जी, तो ये कन्वर्ट हो गया MMBTU में। अब आपने टेबल को देख रहे हैं, ये टेबल आपको पेपर्स में भी दिया जाएगा, जैसे लॉगरिथम का टेबल होता है जो आप लेके जाते हैं साथ, इस तरह का ये टेबल आपको दे देंगे। वहाँ से देख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उस टेबल को यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी, यूज़ करने का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले HM³, इसमें सबसे पहले 0.5 ये होते हैं, उसके बाद अगले 0.5 मीटर रीडिंग जो है, ये टोटल कितना हो गया 1, उसके बाद फिर 1 लेंगे, ये मीटर रीडिंग कितनी हो गई 2, फिर नेक्स्ट 1 लेंगे, मीटर रीडिंग कितनी हो गई 3, 0.5, 0.5, 1, 1, 1, 2, 2 एंड 1, 3, ये यहाँ पर हो गई 3। हमारे पास कितनी थी 3.0756, तो बाकी कितनी बची 0.0756, तो जो बच गई नेक्स्ट टाइम में आपने वो लिख देना है। पहला कॉलम बन गया आपका। आप आगे चलते हैं, तो हमने अभी देखा था कि 1 HM³ इक्वल्स टू 3.25, ऐसे ही था।
तो ये 3.25 लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पर किसका फाइंड कर रहे हैं, 0.5 का। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से, यहाँ पर किसका फाइंड कर रहे हैं आप, 0.5 का, 0.5 को मल्टीप्लाई करें 3.25 से, ठीक हो गया। यहाँ पर किसका फाइंड कर रहे हैं, 1 का, तो सिंपल सी बात है 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से तो वो 3.25 ही रहेगा, ठीक है। अगला स्टेप देखें, आइए क्या है 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.25 से, तो 3.25 तो उसी तरह ही रहेगा। फिर 0.0756 है, इसको 3.25 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2456 आ जाएगा, ठीक है। गौर से समझ लेने क्या होगा, पहले स्टेप में आपने लिखना है 0.5, उसके बाद 1, फिर जो रिमेनिंग बच जाए वो अगले कॉलम में 3.25 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया जी। अब देखें आगे, रेट रुपी या MMBTU, ये आपके पास प्रीफिक्सेस वैल्यू होती हैं, ये आपके पास टेबल में उधर गिवन होंगी कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली, ये सब आपको गिवन होंगी कि 0.5 पे कितनी है, फिर 0.5 पे अगली वैल्यू कितनी बनती है, ठीक है, फिर ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगा। ये कॉलम फिर आपने खुद फाइंड करना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, इस कॉलम को फाइंड करने के लिए आप इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लास्ट कॉलम आ जाता है, ठीक है जी। MMBTU को मल्टीप्लाई करेंगे रेट रुपी के साथ, ये क्या है 1.625, इसको मल्टीप्लाई कर दें 80.65, ओके, सो यू गेट आंसर 131.06, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.625 मल्टीप्लाई 84.45, सो इट बिकम्स 137.23, ओके। इसी तरह आपने ये सारे कॉलम मल्टीप्लाई कर लेने हैं और ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अब आपने इस पूरे कॉलम का सम ले लेना है, जो कि टोटल क्या आता है 1929.75। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्राइस ऑफ गैस है जो आपके आई है वो है 1929.75, ओके। अब ये तो आगे थी आपकी टोटल प्राइस ऑफ गैस, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया, वी हैव टू ऐड मीटर रेंट एंड GST सेल टैक्स, ओके जी। आप मीटर रेंट को ऐड करते हैं, आपके पास क्या आया था 1929.75, मीटर रेंट कितना देखें 20 है, सो इफ वी ऐड 1929 + 20 वी गेट 1949.75, मीटर रेंट ऐड हो गया। अब इस पे आपने GST मींस जनरल सेल टैक्स ये आपने निकालना है, वो होता है 16%। तो सिंपल सी बात है 16% निकालने के लिए 16 ÷ 100 × 1949.75, 16 × 1949.75 / 100, सो योर आंसर इज 311.96। अब ये आ गया आपके पास जनरल सेल टैक्स। अब देखें जी, अब आपने बताना है कि अमाउंट ऑफ बिल, टोटल जो बिल है वो कितना आएगा। टोटल बिल में तीन चीज़ें होती हैं, देखें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। पहली चीज़ टोटल प्राइस ऑफ गैस कितनी है 1929, दूसरी चीज़ मीटर रेंट 20, वो हमने ऐड करके ये लिख दिया एक ही, क्या लिख दिया हमने, देखें हमने लिख दिया कि टोटल आपके पास आ जाएगा ये 1949.75, ठीक है। अगला हमने निकाल दिया जनरल सेल टैक्स 311.96। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखें तो अगर आप एक दूध का पैकेट भी ले लेना बाज़ार से, तो उस पर भी लिखा होता है इसकी प्राइस इतनी है, इस पर सेल टैक्स इतना है, और वो सेल टैक्स उस प्राइस में ऐड करके टोटल प्राइस इतनी होती है, वो आपने देनी होती है, ठीक है, कभी गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम है,
आपके पास 1949.75 जो है ये बिल की पेमेंट बनी है टोटल, लेकिन जो सेल टैक्स इस पे लगा है वो 311.96 लगा है। तो ये इसमें ऐड करेंगे हम तो जो आपका आंसर आएगा वो 2261, ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपने पे करना होगा बिल की सूरत में। समझ आ गई जी, ये आपने बिल की सूरत में पे करना होगा। ओके, पार्ट टू पे देखते हैं। अगर आपको पार्ट वन समझ आ गया है तो बाकी तमाम क्वेश्चन सेम है, बहुत ही इजी है। अभी देख लेते हैं हम, देखें दोबारा मीटर रीडिंग ले ली 4.285 हेक्टोमीटर क्यूबिक, इसको कन्वर्ट करना है अब किस में, MMBTU में। तो हम देखेंगे 1 हेक्टो क्यूबिक मीटर इज 3.25, और अगर आपको 4.285 हेक्टोमीटर चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 से। ठीक है, देखें 4.285 हेक्टोमीटर क्यूबिक मल्टीप्लाई 3.25 आपके पास आ जाएगा MMBTU। ये तो इस तरह आया, लेकिन हम चेक करेंगे क्या टेबल से भी यही आएगा, 13.92 आता है या नहीं आता, टेबल से चेक करेंगे। ओके जी, चेक करते हैं टेबल से। फर्स्ट कॉलम मैंने आपको कैसे बताया था, 0.5 लिख दिया, नेक्स्ट 0.5 लिख दिया, ये कितना हो गया 1, फिर 1 लिखा कितना हो गया 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, हमारे पास कितना था 4.285, 4 तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, पीछे कितना बच गया 0.285 बच गया, नेक्स्ट फिर आएगा 0.285। समझ आ गई, तो इस सब का सम करें तो आपके पास दोबारा बनना चाहिए 4.285 जो कि हमारे पास मीटर रीडिंग है। अब देख लेते हैं आगे MMBTU देखते हैं। मैंने क्या कहा 0.5 को 3.25 से मल्टीप्लाई करें, MMBTU कितना है 3.25 है, 3.25 को इन सब के साथ करना है मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। 0.5 मल्टीप्लाई 3.25, 1 मल्टीप्लाई 3.25, फिर 1 मल्टीप्लाई 3.25, 1 मल्टीप्लाई 3.25, 0.285 मल्टीप्लाई 3.25। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत, ये प्रॉब्लम है। तो देखें हमें पता चल सकता है कैसे, देखें पिछला स्टेप देखें क्या आया है 13.92625, जब आपने 4.285 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 3.25 से ये आया। अब आपने देखना है कि जो ये कॉलम है आपके पास, ये वाला कॉलम, ठीक है, कौन सा कॉलम, ये वाला, ये कॉलम जो है आपके पास, जब ये आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो इधर सम आना चाहिए इस पूरे कॉलम का, इधर सम जो आएगा वो सेम सम होगा 13.925, क्योंकि ये पीछे आपके पास सम था ये वाला, ठीक है, ये ही आना चाहिए। अगर ये आया तो आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है अभी तक। अगला स्टेप ये बहुत सिंपल, आपने टेबल से देख के वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। पहली वैल्यू क्या है 80, 84, 153, 325, 423, आप देखें ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, ये पिछले टेबल में भी सेम थी, इस टेबल में भी सेम है। मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देता हूँ, देखें यहाँ पे क्या है 80, 84, 153, 325, पिछली वैल्यूज जाके देख लेते हैं, देखना ज़रा पिछले क्वेश्चन में क्या है 80, 84, 153, 325, 423, समझ आ रही है जी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगी। लास्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, लास्ट स्टेप आपका देखें क्या होता है जी, सिंपल 80.65 मल्टीप्लाई 1.625 आंसर आ जाएगा, 1.625 मल्टीप्लाई 84.45 मीन्स इन दोनों कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है और आपका ये कॉलम बनता जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या होता है, इस कॉलम का सम ले लेना होता है, सिंपल। और ये आपके पास आ जाता है टोटल प्राइस ऑफ गैस, आ गई। अगला काम वही, टोटल प्राइस ऑफ गैस में 20 रुपीज़ आप ऐड कर लें मीटर रेंट के, ठीक है जी। ये
तो ये हो जाएगा 37.67 जब मीटर रेंट ऐड हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जीएसटी जीएसटी मींस जनरल सेल टैक्स 16% वो निकाल लेते हैं 16 × 37.67 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं आपके पास आंसर आता है 597.07 ठीक है जी। जब आपके पास जनरल सेल टैक्स भी आ गया और ये टोटल गैस की अमाउंट भी आ गई तो अब आपने क्या करना है दोनों को ऐड करना है आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बहुत सिंपल क्वेश्चन है इजीली समझ आ जाते हैं। लेट टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन पार्ट नंबर थ्री 2.796 हेक्टोमीटर क्यूब अगेन वही कि आपके पास क्या है 2.796 है और आपको पता है कि 1 हेक्टोमीटर क्यूब इक्वल होता है 3.25 mmBTU के। अगर हम इसको भी mmBTU में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 से तो हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आया 9.087 mmBTU। ओके नाउ कंसीडर द टेबल अगेन फर्स्ट कॉलम 0.5 0.5 1 1 1 2 रिमेनिंग इज 0.796 सो वी गेट 2.796। ओके जी नेक्स्ट स्टेप देखें इस टेबल में गलती होने के कहीं पे चांस ही नहीं है चांस है ही नहीं। आपने ये लिखना है 0.5 0.5 ऐड करेंगे 1 1 1 2 फिर 2.796 टोटल ऐड करेंगे तो वही आना चाहिए जो कि मीटर की रीडिंग है। अगले कॉलम को जब आपने 3.25 से सबको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर टोटल क्या आएगा यहाँ पर टोटल वो आना चाहिए जो कि ये आया है 9.087 गलती होने के चांस ही नहीं है। अगला कॉलम तो आपने ऑटोमेटिकली देख के जिसको कहते हैं चीटिंग करना जिसमें हम लोग बहुत तेज होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर वो बस वहां से देख के यहाँ पर लिखने ठीक है कॉपी करें और उसके अगले स्टेप में तो बहुत सिंपल है 80.65 को मल्टीप्लाई कर देना 1.625 से आंसर 84.45 1.625 आंसर इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें लास्ट कॉलम आ जाएगा इसका टोटल कर लें 1609.93 टोटल करने के बाद इसमें मीटर एंड 20 रुपीज ऐड कर दें वो 1629 आता है और फिर इसको जनरल सेल टैक्स निकालना है 16% सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 16 एंड देन डिवाइडेड बाय 100 सो वी गेट 260.79 और लास्ट टाइम में क्या होता है जनरल सेल टैक्स को ऐड कर दिया जाता है टोटल जो अमाउंट होती है मीटर रेंट और गैस की डाल के तो ये आपके पास आंसर आता है 1890.75। ओके जी सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 4 आई होप आप सबको ये समझ आ रही होगी। दोबारा अगेन 1.378 मीटर रीडिंग वी हैव टू कन्वर्ट इन mmBTU सो वी मल्टीप्लाई 1.378 इनटू 3.25 सो वी गेट 4.4785 नेक्स्ट 0.5 0.5 मींस 1 रिमेनिंग इज 0.378 सो टोटल इज 1.378 ओके एंड वी मल्टीप्लाई 0.5 विद 3.25 0.5 मल्टीप्लाई 3.25 अगेन दिस मल्टीप्लाई विद 3.25 ये कॉलम फिर आपने कॉपी करना है और लास्ट कॉलम को इन दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करें दोनों लास्ट कॉलम आएगा 457.15 नाउ ऐड द 20 रुपीस ऑफ मीटर रेंट so we get हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 477 क्या मिलेगा आपके पास 477 ठीक है जी। नेक्स्ट आपने इस पे जनरल सेल टैक्स निकाल लिया 76 ऐड कर दें 477.15 प्लस 76 सो 553.49 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 देख लें पार्ट नंबर 5 में क्या आता है आपके पास आता है
मीटर रीडिंग है 5.235, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 17.01375। दोबारा वही 0.5, 0.51, 112, 13, 14, 15, 5, रिमेनिंग इज 0.235, सो टोटल इज 5.235। पहला कॉलम बन गया, दूसरा क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को 3.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो किया, इस पूरे कॉलम का सम ले लें, सम आपके पास क्या आना चाहिए, सम आपके पास 17.01 आना चाहिए, जो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आया है। तो देखें यहाँ पर जब टोटल करेंगे तो वही सम आएगा। अगला कॉलम तो आपने एग्जैक्ट पीछे से देख के, जो आपके पास टेबल होगा पेपर में, वहां से देख के एज इट इज आपने इधर कॉपी कर देना, इधर कॉपी कर दिया। लास्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दें, फोर्थ कॉलम बन जाता है, जो कि हम पिछले चार क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। अब तो बहुत सिंपल से एक बात है, आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। इसका टोटल निकाल लेते हैं, इसका सम करें 5548.44। अब आपने इसमें मीटर रेंट ऐड करना है, जो कि है 20 रुपीस, और जब आप इसमें ऐड करेंगे ये आपके पास बन जाएगा 5568.44। ओके, सो नेक्स्ट जनरल सेल टैक्स एट द रेट 16% आपने निकालना है, तो वो क्या है, 16 × 5568.44/100, तो आपके पास आंसर आता है 890.95। ठीक है, टोटल बिल में क्या होता है, आपके पास जो सेल टैक्स आता है जनरल सेल टैक्स, इसको ऐड कर दें इस टोटल अमाउंट में 5568 में, तो आपके पास 6459.39 रुपीज आंसर। ठीक है जी, और लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पिछले 5 पार्ट किए। 4.665 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से, आपके पास आता है 15.1625। ओके, नेक्स्ट इज टेबल बनाना है आपने, वही 0.5 0.5, 1 हो गया, 112 1 3 1 4, रिमेनिंग इज 0.665, सो टोटल इज 4.665। ओके, नेक्स्ट कॉलम एम एम बी टी यू, वी हैव टू मल्टीप्लाई सिंपली 0.5 by 3.25, 0.5 × 3.25, 1 × 3.25, मल्टीप्लाई करते जाएं और आपका नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये सारे के सारी वैल्यूज आपने देख के लिख लेनी है, और अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम, 6.6 1.625 × 80.65, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे सारे के सारे। ओके, जब ये आपके पास फोर्थ कॉलम भी बन जाएगा, तो अब आपने क्या करना है, इस फोर्थ कॉलम का एडिशन करके आंसर लिख देना है, जो कि आंसर बनता है 4391.48, 4391। तो गैस चार्जेस कितने हो गए, ये हो गए 4391। मीटर रेंट कितना हो गया, 20, इसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 44 11.48। इस पर जनरल सेल टैक्स फाइंड कर दें 16%, तो वो है 705.84, और इसको ऐड कर दें 44 11.48 में, योर रिक्वायर्ड आंसर इज 5117.32, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चन के टाइम है, अब आप क्वेश्चन पूछ